गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एज यू नो वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम सम्स ऑफ वर्कशीट वन। बेटा आपको पता ही है कि हमने मल्टीप्लिकेशन की रिवीजन चल रही है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी प्रीवियस वीडियो में की थी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। हम क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, वी विल टेक एग्जांपल ऑफ, आपने क्या करना है बेटा, 1432। ये एक न्यूमरल है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद थ्री डिजिट न्यूमरल 211। ओके बेटा, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फोर डिजिट नंबर है बेटा, और नीचे कितने हैं, थ्री डिजिट नंबर। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री डिजिट वाली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ऊपर हमारे पास क्या है, फोर डिजिट नंबर है बेटा। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वन को आपने टू से मल्टीप्लाई किया, टू आ गया। वन को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री। देन अगेन वन को फोर से करेंगे, फोर, क्योंकि वन के टेबल में तो सेम वही आएगा। वन को वन से करेंगे, वन। जब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं बेटा, वी विल यूज क्रॉस हियर, ठीक है। अगेन हमारे पास अब वन ही है, तो वन को टू से मल्टीप्लाई किया, टू। वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया, थ्री। वन को फोर से मल्टीप्लाई किया, फोर। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन। बेटा जब थर्ड लाइन में जाते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम यहाँ पर कितने क्रॉस लगाएंगे, टू क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डिजिट टू। टू को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर। टू टू दा फोर। टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया, टू थ्री दा सिक्स। टू को फोर से मल्टीप्लाई किया, टू फोर दा एट। टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू वन दा टू। अब लास्ट लाइन में क्या करना होता है बेटा, जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें क्या करना होता है यहाँ पे, एडिशन। यहाँ टू ही है, थ्री एंड टू फाइव, फोर एंड थ्री सेवन, सेवन एंड फोर इलेवन, वन इज ऑन कैरी, वन एंड वन टू, टू एंड फोर सिक्स, सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व, टू, वन इज ऑन कैरी, वन एंड वन टू, टू एंड एट टेन, जीरो, वन इज ऑन कैरी, वन एंड टू इज थ्री। बेटा दिस इज आवर आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल। अब हमने एक और लिया एग्जाम्पल, अब हम इसकी फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल्स का रिवाइज होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए साथ साथ आपने टेबल की रिवीजन जरूर करनी है। टेबल्स को आपको लर्न होना जरूरी है बेटा। ओके, अभी देखिए अब हम फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब नाइन का टेबल आना चाहिए हमें इसके लिए, नाइन टू द 18, एट इज हेयर, वन इज ऑन कैरी, नाइन थ्री द 27, 27 एंड वन 28, एट इज हेयर, टू इज ऑन कैरी, नाइन सेवन द 63, 63 एंड टू 65, सिक्स इज ऑन कैरी, नाइन वन द नाइन, नाइन एंड सिक्स 15। नेक्स्ट लाइन में जाओ तो क्या करते हैं, क्रॉस, 5 टू द 10, 0 हेयर, 1 इज ऑन कैरी, 5 थ्री द, ये कैरी हटा दो बेटा पीछे वाला, ठीक है, 5 थ्री द 15, 15 एंड 1 16, यहां पीछे वाले कैरी को हम हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 कैरी आ गया क्योंकि यहां 16 आया था, तो यहां पे 6 हमने यहां उतार लिया, 1 इज ऑन कैरी, 5 सेवन द 35, 35 एंड 1 36, पीछे वाले कैरी को मैंने रद्द कर दिया, ये क्या आया था, 5 सेवन द 35 एंड 1 36, 6 यहां पर 3 इज ऑन कैरी, 5 वन द 5 एंड 3 8। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन में जाकर क्या करते हैं, दो क्रॉस लगाते हैं। अब हम कौन सा डिजिट लेंगे, 2, 2 टू द 4, 2 3 द
सिक्स, टू सेवन द 14, फोर, यहां पर अब थ्री नहीं रह जाएगा, अब 14 वाला जो फोर था यहां था वन कैरी था, टू वन द टू, टू एंड वन थ्री। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने अच्छे से टेबल को लर्न करना है और फिर टेबल्स को लर्न करने के बाद अपने मल्टीप्लिकेशन के सम की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, हियर इज एट, एट एंड जीरो एट, फाइव एंड सिक्स इलेवन, इलेवन एंड फोर फिफ्टीन, फाइव इज हियर, वन इज ऑन कैरी, फाइव एंड वन सिक्स, एंड सिक्स ट्वेल्व, एंड सिक्स एटीन, एट इज हियर, वन इज ऑन कैरी, वन एंड वन टू, टू एंड एट टेन, एंड फोर फोर्टीन, फोर इज हियर, वन इज ऑन कैरी, थ्री एंड वन फोर, दिस इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टैंड हो गया किस तरह से हम फोर डिजिट वाले नंबर को थ्री डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, हम वर्कशीट वन के अनदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा कैसे है देखो, यूजिंग द डिजिट थ्री वन एंड फाइव ओनली वंस। बेटा आपने क्या करना है, एक ही बार थ्री वन एंड फाइव का यूज करना है और इन डिजिट का यूज करके क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ये बनाना है और उसके बाद आपने उसकी प्रोडक्ट भी करनी है। बेटा अब देखो, हमारे पास थ्री वन एंड फाइव है, इससे लार्जेस्ट डिजिट क्या बनेगा बेटा हमारा, देखो हमारा लार्जेस्ट डिजिट बनेगा फाइव, थ्री एंड वन, ये हमारा लार्जेस्ट डिजिट बनेगा। और स्मॉलेस्ट इससे क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे लार्जेस्ट बनाने के लिए मैंने पहले लार्जेस्ट नंबर लिए है और बाद में मैं स्मॉलेस्ट नंबर पर गई हूं, इसी तरह स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर हमारा क्या है वन, फिर अगेन थ्री और फिर उससे बड़ा फाइव। ठीक है, इन दोनों की बेटा उन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड देयर प्रोडक्ट, इनकी हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट भी करनी है। बेटा इससे क्या है, एक तो आपको थ्री डिजिट का, थ्री डिजिट से दोबारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और आपको स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा आप यहां लिख सकते हो कि ये हमारा लार्जेस्ट है और ये हमारा क्या है स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है अभी करो मल्टीप्लाई, फाइव वन द फाइव, फाइव थ्री द फिफ्टीन, फाइव इज हियर, वन इज ऑन कैरी, फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव एंड वन ट्वेंटी सिक्स, क्लोज लगाओ नेक्स्ट लाइन में, थ्री वन द थ्री, थ्री थ्री द नाइन, थ्री फाइव द फिफ्टीन। बेटा मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि आपके लिए टेबल्स को रिवाइज करना मस्ट है। ठीक है, अब देखो, अब हमने थर्ड लाइन में आना था तो दो क्रॉस लगाने थे वन, अब हमारे पास डिजिट क्या रह गया वन, वन की मल्टीप्लिकेशन करो, वन वन को वन से किया वन ही रहेगा, वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आएगा थ्री, वन फाइव द फाइव। अब लास्ट में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन कर देते हैं, ये तो सभी को आ गया, अब यहां पर फाइव, फाइव एंड थ्री एट, सिक्स एंड नाइन फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन, सिक्स वन इज ऑन कैरी, वन एंड टू थ्री एंड फाइव एट एंड थ्री इलेवन, वन इज ऑन कैरी, वन एंड वन टू एंड फाइव सेवन, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अभी हमने जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह गए थे वो भी हमने वर्कशीट वन की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अभी बेटा आपको क्या करना है, साथ साथ टेबल्स को रिवाइज करते रहना है और आपका वर्कशीट वन टू एंड थ्री, बेटा वर्ड प्रॉब्लम वाली वर्कशीट को छोड़कर बाकी तीन वर्कशीट्स का आपका थर्सडे को टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड कीप हेल्दी एट योर होम।